बुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम रजवाड़ा में 9 जुलाई को हुई विवाहिता रंभा देवी की हत्या का बुलहरिया पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है और हत्या आरोपी बिकाऊ को बास स्थान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि रंभा देवी पत्नी बुढ़ेली प्रसाद निवासी हाल मुकाम रघुनाथपुर ग्राम रजवाड़ा निवासी टोला भगवानपुर थाना गुलहरिया गोरखपुर स्थायी निवासी ग्राम रजौड़ा कला थाना पनियरा जनपद महाराजगंज की 9 जुलाई को गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में रंभा देवी के पति बुढ़ेली प्रसाद की तहरीर पर स्थानीय थाना में बिकाऊ पासवान पुत्र राम केवल पासवान निवासी ग्राम टोला रामपुर गुधरिया थाना पनियरा जनपद महाराजगंज पर नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलहरिया टीम द्वारा काफी प्रयास के बाद अभियुक्त बिकाऊ पासवान पुत्र राम केवल पासवान निवासी ग्राम टोला रामपुर गुधरिया थाना पनियरा बास स्थान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के समक्ष अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मृतका रंभा देवी से उसके नाजायज संबंध थे, लेकिन करीब 6 माह से वह उससे दूर रहने लगी थी। उसे शक हुआ कि मृतका रंभा के किसी दूसरे से संबंध हो गए हैं। घटना वाली रात करीब 9 बजे से 10 बजे के बीच वो मृतका के घर गया था तथा बातचीत के दौरान मृतका ने उसकी बेइज्जती कर दी, धक्का देकर गिरा दिया तथा गला पकड़ लिया। इस बात से नाराज होकर गुस्से में आकर उसने रंभा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गुलहरिया विनोद अग्निहोत्री उप निरीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला हेड कांस्टेबल कामेश्वर दुबे कांस्टेबल रामनिवास यादव विपिन सिंह विकास यादव कमलेश पाल चंदन चौरसिया शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा दिनांक 9/7/2021 को ग्राम रघुनाथपुर टोला भगवानपुर थाना गुलहरिया में एक महिला रंभा देवी पत्नी बुढ़ेली की हत्या हो गई थी। इस संबंध में उसके पति द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें श्री बिकाऊ के विरुद्ध 22 तवा उस पर शक जाहिर किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर शीघ्र गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक गुलहरिया व उनकी टीम द्वारा उक्त बिकाऊ को दिनांक 11/7/2021 को गिरफ्तार कर लिया गया। बिकाऊ द्वारा बताया गया कि उसके रंभा से नाजायज संबंध थे। कुछ महीनों से उसे ऐसा लग रहा था कि रंभा के किसी अन्य से संबंध हो गए हैं। घटना की रात्रि वो उसके घर में पहुंचा तो रंभा ने उसके साथ बदतमीजी की, इसी पर वाद विवाद में उसने रंभा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया।